नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टेक हेल्पर में। दोस्तों यूपीआई के बारे में आप सभी ने सुना ही तो होगा। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई यूनिट पेमेंट इंटरफेस, इसके माध्यम से हम अपने पैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। दोस्तों ऐसे में लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब यूपीआई फ्री में नहीं होगा, आपको चार्जेस देने होंगे। कितने रुपए भेजने पर कितना चार्जेस देना होगा, कौन सा बैंक सबसे पहले चार्जेस अप्लाई कर रहा है, कौन बैंक के कस्टमर होंगे जिनको सबसे पहले चार्जेस देना पड़ेगा, कब से होगा लागू, ये सब चीज वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलते रहे और आप नई नई वीडियो का लुत्फ उठाते रहे। दोस्तों अब देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, मैटर क्या है, यूपीआई के माध्यम से हम पैसे भेज सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्जेस के। पर दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने सबसे पहले एक अपनी पॉलिसी लेके आई कि आपको शुरू के जो 30 यूपीआई ट्रांजेक्शन होंगे बिल्कुल फ्री में होंगे। अगर आपके पास एक कोटक बैंक अकाउंट ऑफ होल्डर है तो शुरू के 30 बैंक अकाउंट आपके शुरू के 30 ट्रांजेक्शन आप फ्री में भेज पाएंगे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। पर उसके बाद जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर 1,000 रुपए या उससे ऊपर 1,000 रुपए उससे नीचे के पैसे भेजते हैं 0 से लेके 1,000 रुपए तक, तो आपको देना होगा हर ट्रांजेक्शन पे 2.5 रुपए का चार्ज। जी हाँ दोस्तों, हर ट्रांजेक्शन पर आपको 2.5 रुपए का चार्ज देना होगा। शुरू के 30 ट्रांजेक्शन आपके बिल्कुल मुफ्त में होंगे। सबसे पहले ये पॉलिसी लेके आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक कोटक महिंद्रा बैंक के बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो आपको चार्जेस देने होंगे 2.5 रुपया 0 से लेके 1,000 रुपए तक उससे ऊपर के। और दोस्तों अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं 1,000 से लेके 10,000 रुपए के बीच, तो दोस्तों आपको देने होंगे पूरे 5 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, तो आपको 5 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देने होंगे 1,000 रुपए अगर आप एक बैंक अकाउंट दूसरे अकाउंट में भेजते हैं। दोस्तों ये रूल आ रहा है अभी, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन कर दी गई है, ये अप्लाई हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में 1 मई को। जी हाँ दोस्तों, 1 मई से लेके आगे जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, शुरू के 30 आपके फ्री होंगे, एक महीने में 30 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री। अगर ट्रांजेक्शन भेजोगे 1,000 रुपए तक 2.5 रुपए उससे ऊपर भेजोगे तो 5 रुपए चार्जेस आपको देने होंगे। कोटक महिंद्रा वाले जो बैंक अकाउंट है उनके लिए सबसे पहले नियम आया है, और जो बैंक आदित्य बिरला वाले हुए और SBI, अभी इनकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे और बैंक अकाउंट होते हैं, पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इनमें अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि यूपीआई के चार्जेस देने होंगे नहीं देने होंगे। पर कोटक वाले के कोटक जो बैंक अकाउंट है उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि भैया हम तो पैसे लेंगे, सीधी सी बात है, यूपीआई करना है करो, शुरू के 30 फ्री में होंगे, बाद में आपको टैक्स देना होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो कोटक को लेके, आपको उसे कमेंट करके बताना है ये जो रूल आया कोटक महिंद्रा बैंक का, कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी हुई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।